हम आपको बताने वाले हैं रूट वाला भागा कैसे बनाए, ये हम दिखाने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, गौर से कुछ भारी नहीं है, अच्छा से देखना है सिर्फ। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है कि 9√5 में √3 से भाग दे, √3 से क्या दे, भाग दे। अब हम बनाना चालू करेंगे तो हल लिखेंगे। पर देखिए यहाँ पे मार्क मिलता है, मतलब कि आपका जो है राइटिंग अच्छा रहेगा तो देता है, लेकिन सबसे पहले मैथ में राइटिंग नहीं देखा जाता और आपका जो अच्छा से बनाया हो रहा था वही देखा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, भाग देने का मतलब है कि बट्टा में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, 9√5 बट्टे कितना, √3, इस तरह होगा। अब यहाँ पर आने के बाद विद्यार्थी सब और जो है कहता है कि कैसे बनेगा, अब कैसे भगा देंगे, कुछ फूले में नहीं करता है। तो एक बात यहाँ पर रखिएगा ध्यान कि जब इस प्रकार हम भागा तो ऐसे ही देते हैं, जैसे कि कहते हैं कि 5 में 3 से भाग दे, 5 में 3 से भाग दे, 5 में 3 से भाग दे। रोकेगा वीडियो, रोकेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, भागा का मतलब होता है 5 में 3 से क्या दे, भाग दे। इसका मतलब 5/3 क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यही भागा हुआ। तो इसी में ना हम लिखे 9√5 में √3 से भागा दे, तो 9√5 के ऊपर में अब बट्टा कितना, √3। अब यहाँ पे आके विद्यार्थी क्या जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि 8वां के पास होकर बाद 9वां में आता है, और ये चीज़ 9वां वाला थोड़ी ना है, 10वां भी पूछा जाता है। एक बात बताओ, ये कौन संख्या, अपर में कि पर में, अपर में संख्या है, क्योंकि किस चीज़ में है, रूट में है, रूट में है, इसलिए अपर में होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 9√5 बट्टे √3 में भागा देना है। तो सबसे पहले यह तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो नीचा में है ना √3, इससे क्या करते, परिमेयकरण। तो यहाँ पर अब नया बात, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब एगो बात है कि सर जी परिमेयकरण किसे कहते हैं, तो परिमेयकरण जब ये लिखेंगे तब ये जो नीचा में जो रूट रहता है वो वाला रूट में ऊपरों में गुना, नीचों में गुना, तो बराबर यहाँ देंगे 9√ क्या देंगे, 5, इसका रूट कितना देंगे और गुना कितना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, निचलका वाला से गुना किए हैं ऊपरों में और कैसे भी करके इस रूट को क्या करना है, हटाना है। अब हम आपको बताए हैं कि जब गुना होता है ना तो रूट वाला रूटे वाला में होता है, और रूटे वाला। अब ये ना कर दीजिएगा कि 9 + 3 ऐसा नहीं होगा, होगा ऐसा, ऐसा करेगी तो क्या हो जाएगा। तो अब देखो कितना होगा, 9√ कितना, 15 होगा, कि 9 × 9 = 5 + 3। अब कहिएगा कि सर जी 15 कैसे रूट में, तो 9 कहाँ गया, सोनी कुमारी 9 कहाँ गया, तो 9 × 3 = 27 थोड़ी ना होगा, है ना बुआ, ये रूट में ए रूटे से गुना हो गया, ठीक है। तो 5 + 3 कितना हो गया, 15। अब बट्टा 3 + 3 तो रूट हो गया 9। अब कितना बचा, क्या किया है कि रूट में 9 नहीं दिया, डायरेक्ट 9 दे दिया है, ये गलत है कि नहीं है, अब देखा गलत कहाँ पे है। अब गौर से देखो, अब इसको हम करेंगे 9√15 अब बटे, और रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब यहाँ पे देखते हैं, तो 9√15 / 3 ये कटेगा, कटेगा ना, तो 3 × 3 = 3 + 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन एगो और उठता है कि सर जी आप 15 को कहे नहीं काटे, ये रूट में है भी नहीं है, इसीलिए इसको काटेंगे नहीं। तो अब आपको ये कट गया तो बचा कौन, और कौन बचा, 3√15 जो निकला वो आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। किसी को दिक्कत समझने में, कुछ किए नहीं किए, इतना ही चीज़ करना है, आपको अच्छा से ये जो है समझ में आ जाएगा। आप लोग चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगला वीडियो में।